नमस्कार, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हो सेलोपेडिया। सेलोपेडिया में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे ऑफिस में है रजत जी। रजत जी वो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनका, उसके साथ ही साथ वो अपना रिटेल का बिजनेस भी चलाते। तो रजत जी का कुछ मार्केटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो हमारे ऑफिस में आए थे। तो चलिए डिस्कस करते और जानते हैं रजत जी का क्या प्रॉब्लम है। नमस्कार रजत जी। नमस्कार जी। रजत जी आप बोलिए, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। बढ़िया सर। सर आप बोलिए, आपका कुछ प्रॉब्लम था, आप डिस्कस कर रहे थे क्या कुछ? जी सर, जी। वो प्रॉब्लम के बारे में बोलना चाहता हूँ। जी जी जी। कि सर बिजनेस में मेरा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, जी, उसमें ये अभी प्रॉब्लम है कि मेरा जो पुराना कस्टमर, अभी मार्केट में पुराना कस्टमर बहुत कम हो चुके हैं, और जो नया कस्टमर के लिए हम लोग मार्केटिंग में बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन नया कस्टमर तो जुड़ रहे हैं लेकिन पुराना कस्टमर वापस नहीं आते। एक बार जो खरीदते हैं दोबारा नहीं आते, नया कस्टमर जुड़ते हैं और उनको पुराना बनाने के लिए वो पुराना कस्टमर भी चले जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ मार्केटिंग टिप्स है क्या आपके पास, जो कि मेरा पुराना कस्टमर को मेरे साथ जुड़ने के लिए अच्छा भी रहेगा और मुनाफा भी मैं कमा सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो देखिए, आप रजत जी आप बात की कि रजत जी का क्या प्रॉब्लम है। आपने सुना कि उनका नया कस्टमर लाने के लिए वो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, पर जो पुराना कस्टमर है वो वापस उनके पास नहीं आता। राइट रजत जी? तो पुराना कस्टमर को लाने के लिए आपके पास है एक ऐसा तरीका जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं लॉयल्टी मार्केटिंग। सर आप अगर लॉयल्टी बिल्ड कर दो अपने कस्टमर और आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, देन क्या हो जाएगा, कस्टमर बार बार आने लगेगा। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा सर। तो चलिए देखते एक वीडियो। दोस्तों लॉयल्टी मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है जिसमें आप एक कस्टमर को बुलाओगे अपने स्टोर में, आपके प्रोडक्ट पे या फिर आपके सर्विस में बार बार। आप इसमें क्या करोगे, एक कस्टमर को बुलाना पड़ेगा आपको बार बार, इससे आपका रिवेन्यू होगा चार बार। सही सुना आपने। अगर आप लॉयल्टी मार्केटिंग यूज करते हो इससे क्या होगा, तो देखिए लॉयल्टी मार्केटिंग ऐसा मार्केटिंग है जिसमें क्या होता है, आप पुराने कस्टमर को वापस अपने स्टोर पे बुलाते हो, वापस अपने प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए बुलाते हो, ताकि इसमें क्या होता है आपका मार्केटिंग का खर्चा बहुत कम जाता है। फॉरेस्ट सर्वे एक हुआ था, उसमें पता चला कि अगर आप किसी नए कस्टमर को आपके स्टोर हो, आपके प्रोडक्ट हो, आपके सर्विस पे बुलाने के लिए जितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसका 20% लगता है अगर आप किसी पुराने कस्टमर को अपने स्टोर पे, आपके प्रोडक्ट पे या फिर आपके सर्विस पे बुलाओ। तो मार्केटिंग में सबसे सही तरीका होता है लॉयल्टी मार्केटिंग। इसमें क्या होगा कि आपको ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग में, कम पैसे में बहुत मुनाफा। अगर एक पुराना कस्टमर आ जाता है, वापस बार बार आने लगता है आपके स्टोर पे, तो क्या होगा, आपके स्टोर पे आपका प्रोडक्ट और सर्विस को बार बार खरीदता है या फिर आपका प्रोडक्ट और सर्विस को रेकमेंड देता है अपने पूरे फ्रेंड्स और फैमिलीज में या फिर उसके सर्कल में, उसके ग्रुप्स में, देन क्या होगा, आपका रिवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ऑटो प्रमोट हो जाओगे, आपका बिजनेस ऑटो प्रमोटेड मोड पे चला जाएगा, मार्केटिंग ऑटो प्रमोटेड मोड पे चला जाएगा। उसी चीज को लेके मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप कैसे करोगे लॉयल्टी मार्केटिंग। अभी लॉयल्टी मार्केटिंग समझने से पहले आपको एक चीज अच्छे से समझना चाहिए, वो ये है कि बायर फनल। तो एग्जैक्टली बायर फनल होता क्या है कि उसमें आपको ये जाना पड़ता है कि एक नया कस्टमर को कैसे आपने झोली पे गिराए, एक नया कस्टमर को कैसे आपने झोली पे गिराए, उसको गिराने के लिए आपको करना पड़ता है चार स्टेप। चार स्टेप क्या होता है, ASPC। तो ASPC फॉर्मूला क्या है, A होता है अवेयरनेस, S में होता है सस्पेक्ट, P में होता है प्रोस्पेक्ट एंड C में होता है एट लास्ट कन्वर्जन, झोली पे आके गिरा। ये होता है आपका बायर फनल। अवेयरनेस क्या होता है, देखिए आप मार्केटिंग में पहला चीज क्या करता है, पैसा खर्चा करते हैं। किस चीज पे पैसा खर्चा करते हैं, लाइक प्रिंट मीडिया पे, टीवी मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, तरह तरह जगह पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये सब होता है ना डिजिटल मीडिया। और भी होता है प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज पेपर, टेलीविजन, ये सारी चीज में आप पैसा खर्चा करते हो। इससे क्या होता है, आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप कस्टमर को बताते हो कि ये मेरा ब्रांड प्रोडक्ट, ये मेरा सर्विस है, ये चीज मैं ऑफर कर रहा हूं। उसके बाद उससे क्या निकल कर आता है, उससे निकल कर आता है आपका सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब उसमें से कुछ कस्टमर आपके प्रोडक्ट जो सर्विस जो जितने सारे आप ऑफर कर रहे हो ना, उस चीज को लेने के लिए वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते, तो वो सारे हैं आपका सस्पेक्ट। अभी सस्पेक्ट क्या बना,
अभी सस्पेक्ट में से जो सारे सस्पेक्ट को ज्यादा नीड होता है आपका प्रोडक्ट, ध्यान रखना मेरा बात, जो सारे सस्पेक्ट को आपका प्रोडक्ट ज्यादा नीड होता है वो होता है आपका प्रोस्पेक्ट। अभी प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जिसका नीड होता है वो खरीदता है। तो अभी खरीदने से पहले उसको देखना पड़ता है लाइक पेमेंट गेटवे, आप कैसा सर्विस दे रहे हो, आपका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, ये सारे चीज देखने के बाद वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है। ये हो गया आपका बायर फनल। अभी बायर फनल के लिए देखा आपने, आपको चार स्टेप से जाना पड़ा। पर अगर एक कोई कस्टमर आपका है पुराना कस्टमर, उसको बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फोन घुमाना पड़ेगा, हेलो सर जी कैसे है, हमारा स्टोर पे ऑफर चल रही है, सर आ जाइए, ये ऑफर दे रहे, आपके लिए ऑफर है, आ जाइए। तो इसमें क्या होता है, ओनली एक स्टेप आपको आपको क्या करना पड़ता है, यू जस्ट हैव टू एंगेज विथ योर कस्टमर, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, व्हाट You have to only engage with your customer. यही चीज तो करना है कि आपको कस्टमर के साथ क्या करना है, एंगेजमेंट बनाना है। अगर आपने बना डाला तो हो गया लॉयल्टी मार्केटिंग। और अभी उसी एंगेजमेंट को बनाने के लिए कैसे आप एंगेजमेंट बनाओगे, उसका मैं चार स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है। तो पहला स्ट्रैटेजी है, अगर कोई पुराना कस्टमर आपके दुकान पर आता है तो आप क्या बोलते हो, अरे सर आपके लिए 30% का डिस्काउंट है और बाकी के लिए तो मैं 10 क्या देता हूं, आपके लिए 30 है सर, क्योंकि आप मेरे पुराने अच्छे कस्टमर हो, आपके लिए 30% डिस्काउंट। ये सुन के आपके कस्टमर, अरे मेरे लिए 30% का डिस्काउंट, मेरे लिए 30% का डिस्काउंट, बाकी के लिए तो 10 दे रहे हैं, मेरे लिए 30 दे रहे हैं, अरे बाप रे। तो ये क्या होगा, वो जो कस्टमर ना वो आपका बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर बन जाएगा, आपके आप ही के ही दुकान में बार बार आएगा, यही होता है। इसको बोला जाता है, ये जो मेरा पहला स्ट्रैटेजी है इसको बोलते हैं ओनली फॉर यू प्रमोशन। इसको क्या बोलते हैं, ओनली फॉर यू प्रमोशन। अगर आप भी अपने स्टोर में या फिर आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में, किसी भी जगह पे अगर ओनली फॉर यू स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया, अगर आप कस्टमर के लिए किसी भी पर्सनलाइज्ड ऑफर, पर्सनलाइज्ड सर्विस आपने कुछ आपने पुराने कस्टमर के प्रति अगर कर दिया, तो वो जो पुराना कस्टमर है ना वो आपका बहुत ज्यादा लॉयल कस्टमर बन जाएगा। उसका एग्जाम्पल है, मैं दे रहा हूं आपको, जो पर्सनलाइज मार्केटिंग वाला वीडियो बनाया था ना, पिछले वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था सीआरए कोक कैंपेन कोका कोला का, वो भी एक पर्सनलाइज सेलिंग था, पर्सनलाइज मार्केटिंग था। उसके हिसाब से और एक भी एग्जांपल है, आपको पता है अमेज़न क्या करता है, आपको पता है अमेज़न क्या करता है, अमेज़न जो अमेज़न उसने चला रखा है अपना मेंबरशिप प्रोग्राम, उसको बोलते हैं अमेज़न प्राइम। अगर कोई पुराना कस्टमर अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेता है, पैसा देके अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेता है, तो उसको बहुत सारा ओनली फॉर यू प्रमोशन मिलता है, लाइक ओनली फॉर यू क्या, ओनली फॉर अमेज़न प्राइम कस्टमर 2 days ऑफ फ्री अनलिमिटेड डिलीवरी, अनलिमिटेड 2 days ऑफ फ्री डिलीवरी। और उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स और पर्क्स रहते हैं, लाइक आपको पता है लाइक 2 घंटे में डिलीवरी, 1 दिन में डिलीवरी, उसके साथ साथ अमेज़न प्राइम वीडियो अनलिमिटेड प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन उसको मिल जाता है, म्यूजिक अनलिमिटेड वो यूज कर सकता है Amazon म्यूजिक। इसको इसमें क्या होता है, ये होता है वैल्यू एडिशन, ये होता है ओनली फॉर यू प्रमोशन, ओनली फॉर यू। ये आप क्या कर रहे हो ना, आप ओनली आपके कस्टमर के लिए कर रहे हो। और उसके साथ साथ आपको पता है अभी हॉटस्टार आप लोग यूज कर रहे हो, हॉटस्टार क्या होता है, हॉटस्टार ने अपना प्रमोशन चला रखा है हॉटस्टार VIP, हॉटस्टार VIP। अभी हॉटस्टार VIP में क्या होता है ना, उसमें भी ओनली फॉर यू प्रमोशन है, ओनली फॉर हॉटस्टार VIP जो सब्सक्रिप्शन वाला कस्टमर के लिए उन लोग क्या करते हैं ना, टीवी से पहले क्या होता है वहां पे, टीवी से पहले आपको दिखा देता है जो शो टीवी पे नहीं आया है, या फिर कोई भी मूवी जो भी टीवी पे अभी तक नहीं आया है, एयर नहीं हुआ है, वो वाला मूवी आप हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो। ये क्या होता है, ओनली फॉर यू प्रमोशन। ऐसे अगर आप भी अपने बिजनेस में आपने पुराने कस्टमर के प्रति किसी भी टाइप का पर्सनलाइज ऑफर, पर्सनलाइज गिफ्ट, पर्सनलाइज रिवार्ड वाउचर, कुछ भी अगर आप कर सकते हो, कुछ भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर सकते हो, इससे क्या होगा, आपका जो पुराना कस्टमर है वो पूरा वैल्यूड फील करेगा, वो भी आपका लॉयल कस्टमर बन सकता है एक स्ट्रैटेजी से। दूसरा स्ट्रैटेजी चलिए शुरू करते हैं। दूसरा स्ट्रैटेजी ये, उसको बोला जाता है लेवल ऑफ रिवॉर्ड। उसको क्या बोला जाता है, लेवल ऑफ रिवॉर्ड। आप क्या करोगे, कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसको क्या करते हो, रिवॉर्ड करते हो। जितने बार कस्टमर आता है आप उसको क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो। कुछ ना कुछ आप उसको क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड कर रहे हो। इससे क्या होगा, कस्टमर बार बार आना चाहेगा आपके स्टोर में।
ठीक है, आपके स्टोर में आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने कस्टमर बार बार आना चाहेगा, अगर आप उसको बार बार कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ नॉन मॉनिटरी हो, कुछ मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, जो भी हो, आप अगर कुछ ना कुछ अगर उसको इंसेंटिवाइज करते जाओगे तो कस्टमर क्या होगा, बार बार आना चाहेगा। ये होता है लेवल ऑफ रिवॉर्ड, ये हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी है। इसको क्या, इसके बहुत बड़े बड़े ब्रांड फॉलो करते हैं, लेकिन आपको पता है स्टारबक्स ने क्या किया, उसने अपने मोबाइल ऐप के जरिए उसने जो भी जितने सारे उसके कॉफी पीने आते कस्टमर उनको क्या करता है, तो उनका पॉइंट ऑटोमेटिकली वो ऐप पे जाता है, उसको बोलते स्टार रिवॉर्ड्स, उसको क्या बोला जाता है स्टार रिवॉर्ड्स, जितना स्टार रिवॉर्ड कलेक्ट होगा उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, गिफ्ट्स, कूपन, वाउचर्स और फ्री में क्या है कैपेचिनो कॉफी, ये सारे कुछ मिलता है। इसमें क्या हुआ, कस्टमर प्रमोटेड हो गया, कस्टमर बार बार आना चाहो स्टारबक्स में। उसके साथ और एक चीज है, उसके साथ और एक एग्जांपल बताऊंगा, इंडिया में 1200 स्टोर के साथ ऑपरेट करने वाला रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस रिटेल, अभी रिलायंस रिटेल का 1200 स्टोर है, रिलायंस ट्रेड, रिलायंस प्रेस, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस का फुटवेयर, ऐसे बहुत सारे स्टोर है। अगर उसमें क्या है, उसमें भी उसने अपना लॉयल्टी प्रमोशन चला रखा है, उसको बोला जाता है रिलायंस वन कार्ड। रिलायंस वन कार्ड में क्या होगा, अब जितना टाइम आप जाओगे रिलायंस के रिटेल में उतना टाइम आपको उस जितना परचेस करोगे, जितना ट्रांजेक्शन करोगे उसका पॉइंट आपके रिलायंस के वन कार्ड में ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, उसमें जाता रहेगा, और पर पॉइंट्स पे आपको 0.7 रुपीज का बेनिफिट भी मिलता है। उसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक बहुत सारे कूपन, डिस्काउंट भी मिलते हैं, और आपको बर्थडे पे, ये एक बहुत बढ़िया चीज है रिलायंस वन का, जो कि मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि आपके बर्थडे पे, आपके बर्थडे पे आपको मिलता है एक स्पेशल डिस्काउंट। उसके साथ साथ और एक भी उसका बहुत ही बड़ा फीचर है, आपको पता मालूम होगा रिलायंस जियो का रिचार्ज जो करते हो ना, उसको भी आप रिलायंस के वन कार्ड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, उसमें भी आपको पॉइंट्स मिल सकता है। ये होता है क्या, लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स, आपके जो कस्टमर है ना जितने बार आपके पास आ रहे हैं आप उसको कितना क्या दे रहे हो ना, रिवॉर्ड दे रहे हो। ये रिवॉर्ड से क्या होगा, वो कस्टमर आपके स्टोर में आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को लेने के लिए बार बार आएगा, बार बार पसंद भी करेगा और दूसरों को रेफर भी करेगा। ये होता है लेवल ऑफ रिवॉर्ड। और अभी जो थर्ड स्ट्रेटेजी है ना, वो बड़े कमाल का है। कमाल का क्या है कि उसमें आपको मार्केटिंग में पैसा खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल ही पैसा खर्चा ही नहीं करना है, पर आपका मार्केटिंग होता रहेगा, आपका कस्टमर लगभग बढ़ते जाएंगे, बहुत ही बढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा हुआ है कि उसमें बिल्कुल ही पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता, इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। आपको पता है गूगल पे, फोन पे आप क्या करते हो, रेफर करते हो, गूगल का कस्टमर बढ़ता है, फोन पे का कस्टमर बढ़ता है, पेटीएम का कस्टमर बढ़ता है। आपको पता है ओला, आप जाते हो ओला पे बैठ के जाते हो, उबर पे बैठ के जाते हो, अगर रेफर करते हो आप फ्री राइड मिलता है, ओला मनी मिलता है, ये सुनो। और भी क्या होता है, लाइक मेक माय ट्रिप, एमएमटी, पता है गोबीबो, ओयो, उसमें भी रेफर करने में आपको पैसा मिलता है, रहने के लिए आपको कुछ इंसेंटिवाइज होता है, और भी होता है उसमें। लाइक आप अभी यूट्यूब में देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, अभी प्रमोट कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, गेमिंग का आईपीएल, एमपीएल। तो एमपीएल में क्या होता है, उसमें भी अगर आप रेफर करोगे उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। और एक बड़ा एग्जांपल देने वाला हूं, एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसका एग्जांपल देने वाला हूं, उसका नाम है मीशो। मीशो ने क्या किया, अपना एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, सिर्फ ऐप बनाया और बाकी पैसा मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया। उसने क्या किया, एक नेटवर्क ऑफ रेफरल स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, नेटवर्क। ओके, उसने स्टार्ट कर दिया एक नेटवर्क ऑफ रेफरल का ऐसा नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ कि लोग भी उससे पैसा कमाए और उसका रेफरल भी हो गया। पता है आपको, अगर आप मीशो का किसी भी प्रोडक्ट को आप उस सेलर बन के अगर आप क्या करते हो ना, प्रमोट करते हो, अगर आपसे कोई खरीद रहे तो पहला पांच ऑर्डर में आपको मिलेगा पूरा सेल का 20% का कमीशन, और पूरा 6 महीने का सेल का 5%, और पूरा 18 महीने का सेल का आपको मिलेगा 1% का कमीशन। इससे क्या हुआ, मीशो में बहुत सारे लेडीज है, बहुत सारे जॉब होल्डर्स है, बहुत सारे हाउसवाइफ से जो घर में बैठे होते हैं व्हाट्सएप में टिकटक करते रहते, तो उनको मजा आ गया, वो शेयर करने लगे, और शेयर करते करते आज आपको पता है ऐसे बहुत सारे जॉब होल्डर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो क्या कर रहे हैं, अभी 70,000 से 80,000 महीना कमा रहे हैं मीशो से। तो मीशो एक बढ़िया मॉडल है जो कि रेफरल मार्केटिंग का सबसे बड़ा अच्छा मॉडल मुझे लगता है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया। अगर क्या आप भी अपने बिजनेस में इसको, ये जो रेफरल मार्केटिंग का तरीका को यूज कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछो सर
कैसे आप करोगे, रेफरल को कैसे यूज करोगे आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, हम आपको बताएंगे, फ्री में बताएंगे, पैसा नहीं लेंगे आपसे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, फ्री में बताएंगे। आप हमसे पूछो, सवाल करो सर, कमेंट बॉक्स में सवाल करो, जवाब देने के लिए हमारा टीम तैयार है आपके पास। हमारा चौथा स्ट्रेटेजी है, ठीक है, अगर करोगे वैल्यू एडिशन मिलेगा आपको रिकमेंडेशन। क्या? अगर करोगे वैल्यू एडिशन तो मिलेगा आपको रिकमेंडेशन। कस्टमर का रिकमेंडेशन को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। अगर आप वैल्यू एडिशन सही से कर पाए अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विस में, आपके स्टोर में भी, तो आपको क्या मिल सकता है? कस्टमर का रिकमेंडेशन मिलेगा। रिकमेंडेशन तभी मिलता है जब होता है वैल्यू एडिशन। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। तो पहले मानते हैं आपने देखा है कि इन्वेंटी और कैडबरी गो मेडबरी, ये मेडबरी वाला कैंपेन कैडबरी ने चलाया था। उसने क्या किया? पार्टनरशिप कर लिया। पार्टनरशिप मतलब अपने कस्टमर को उसके प्रोडक्ट के साथ पूरा जोड़ लिया और क्या बताया, आप प्रोडक्ट बनाओ, आप मेडबरी.in पे जाओ, अपना कैडबरी खुद बनाओ और उसको शेयर करो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो आपको हम रिवार्ड देंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे और बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी देंगे कैडबरी के तरफ से। उसके साथ ही साथ आपका इन्वेंट किया गया कैडबरी हमारे कुछ लिमिटेड एडिशन में भी पब्लिश होगा। ये होता है कैडबरी का स्ट्रेटेजी। उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट पे कस्टमर को जोड़ लिया और वैल्यू एडिशन स्टार्ट कर दिया। उसके हिसाब से आप देखे होंगे GoPro, पता है GoPro और बहुत सारे कॉस्मेटिक ऐसे ब्रांड्स है जो कि आपने YouTube में बहुत सारे वीडियो बना के ट्यूटोरियल देते कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, किस तरह से इस्तेमाल करें। ये भी होता है आपका वैल्यू एडिशन। उसके साथ साथ आप अपने कस्टमर को यूजर एक्सपीरियंस, पता है पुराने कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज किए हैं, अगर उनका यूजर एक्सपीरियंस को आप फीचर कर सको अपने ब्रांड स्टोरी टेलिंग में, ये भी क्या होगा, एक वैल्यू एडिशन है। आपको पता है उसका एक एग्जाम्पल है हुंडई, पता है आपको हुंडई का अभी चल रहा है क्या ब्रिलियंट मूवमेंट, आपको पता है हुंडई का ब्रिलियंट मूवमेंट में वो क्या किया, हुंडई का जो जितना सारे पुराने प्रोडक्ट ले लाइक i10, एक्सेंट, सेंट्रो, उसका जितना सारे यूजर्स थे उनका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए बोला ब्रिलियंट मूवमेंट में। अगर आपका स्टोरी कुछ एक्साइटिंग स्टोरी हो, अच्छा इमोशनल स्टोरी हो, तो वो उसको क्या करते ना फीचर करते अपने ब्रांड में और आपको कस्टमर को बहुत सारे इंसेंटिवाइज करते। इससे क्या हुआ, कस्टमर ब्रांड के साथ जुड़ गया। ये होता है क्या, कस्टमर के साथ पार्टनरशिप कर लेना। इससे क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। इससे मिलेगा आपको क्या, रिकमेंडेशन। अगर आप वैल्यू एडिशन और रिकमेंडेशन पे काम करो तब भी क्या होगा, ये जो चौथा स्ट्रेटेजी है बड़े पावरफुल स्ट्रेटेजी है, इसमें भी क्या होगा, अगर आप ब्रांड स्टोरी टेलिंग करते हो, ब्रांड के बारे में कुछ ऐसा अनोखा स्टोरी आप बताते हो, कस्टमर का एक्सपीरियंस को दूसरे नए कस्टमर को शेयर करते हो, इससे भी क्या होगा, आपके पुराने कस्टमर के मदद से आपके बहुत सारे नए कस्टमर आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका वैल्यू एडिशन करोगे तो रिकमेंडेशन पाओगे। हमारा ये चार स्ट्रेटेजी आपको लगता है समझ में आया होगा। इससे आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस करो, इससे क्या होगा, आपको ही फायदा होगा। अगर आप लॉयल्टी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको नहीं मालूम कैसे लॉयल्टी मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो, तो फ्री में आप कॉमेंट कर सकते हो नीचे। हमारा टीम ऑलवेज रेडी है आपका कमेंट का आंसर करने के लिए। अगर हम आप प्राइवेटली हमसे पूछना चाहते हो तो आप कर सकते हो, sellopedia@gmail.com पे आप जाके मेल करो, आप हमको ईमेल करो, अपना प्रॉब्लम शेयर करो, आपका बिजनेस मॉडल शेयर करो, आप कैसे भी धंधा करते हो उसको पूरे डिटेल में हमको बताओ, हम आपको फ्री में कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको फ्री में कंसल्टेंसी देंगे, आपका फ्री में मार्केटिंग कैसे करोगे, फ्री में कैसे कम खर्चे में बढ़िया मार्केटिंग कर पाओगे उसको हम बताएंगे। तो अभी कैसा लगा वीडियो आप नीचे कॉमेंट वक्त में जरूर बताना। धन्यवाद। तो रजत जी बोलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? जी मैं शुरुआत से वीडियो देख रहा हूँ कि मुझे बहुत बढ़िया सीखने के लिए बहुत कुछ अनोखा चीज मिला यहाँ पर, तो इसको मैं जरूर अप्लाई करूंगा मेरे बिजनेस में। और थैंक यू सर। ओके, सो द थिंग इज, हम
ये जो लॉयल्टी मार्केटिंग वीडियो है इसीलिए बनाए कि आप भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी टाइप का धंधा कर रहे हो, कि आप भी अपने पुराना कस्टमर को वापस अपने बिजनेस में बुला सको, इसके लिए ये वाला वीडियो हम लोग बनाए थे। और इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और रजत जी, हम आपके साथ पर्सनली कंसल्टिंग करेंगे सर, कि आप अपने टेक्सटाइल का बिजनेस को कैसे आप उसको लॉयल्टी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बिल्ड कर सके, ताकि आपको खर्चा कम करने पड़े आपके मार्केटिंग में और आपका रिवेन्यू भी ज्यादा आए। और आप भी अगर करना चाहते हो सर, तो आप भी मुझे sellopedia@gmail.com पे मुझे मेल कीजिए, और कमेंट बॉक्स पे अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो मार्केटिंग के रिलेटेड, आप मुझे पूछिए, बेझिझक पूछिए सर। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।